हाय गाइज वेलकम टू जनरेटर्स इन पाइथन पार्ट टू वीडियो आई होप आपने जनरेटर का पार्ट वन वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी जनरेटर्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड वे के बारे में ऑफ़ क्रिएटिंग जनरेटर एंड देन हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखेंगे बाई यूजिंग जनरेटर कंसेप्ट सभी टर्म्स को हम मेमोरी में सेव नहीं करेंगे जनरेटर का यूज करके एक एक टर्म जनरेट करेंगे चलिए फर्स्ट बात करते हैं शॉर्ट हैंड वे के बारे में एंड दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग स्क्वेयर्स ऑफ एन नंबर्स एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीक़े हैं आई हैव दिस मेनी वेज फर्स्ट वन इज नॉर्मल वे जिसमें हम फॉर फॉरलुप एंड रेंज फंक्शन का यूज करेंगे फॉर फॉरलुप लगाएंगे रेंज फंक्शन के ऊपर एंड एक एक टर्म जनरेट करेंगे फ्रॉम वन टू एन इंक्लूडिंग एन एक एक टर्म का स्क्वेयर फाइंड करके हम अपेंड कर देंगे इन टू द लिस्ट सो so, हमें एक लिस्ट मिलेगा कंटेनिंग स्क्वेयर्स ऑफ ऑल नंबर्स दिन आप इस लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और इसके ऊपर इटरेट भी कर सकते हैं लेकिन इस वे का एक प्रॉब्लम है इस लिस्ट को स्टोर करने के लिए लगेगा मेमोरी सपोज यूज़र टेन एंटर करता है टेन नंबर्स का स्क्वेयर स्टोर किया जाएगा इन टू दिस लिस्ट इतना ज़्यादा मेमोरी नहीं लगेगा लेकिन कंसिडर यूज़र बिग वैल्यू एंटर करता है टेन करोड़ एंटर करता है सो so वन से लेकर टेन करोड़ तक सभी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया जाएगा एंड अपेंड किया जाएगा इन टू दिस लिस्ट सो बहुत ज़्यादा मेमोरी लगेगी इस केस में हो सकता है कि आपके पास इतनी मेमोरी ना हो मेमोरी एरर मिल जाएगा आपको एंड आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा सो so, ये जो तरीका है नॉर्मली यूज़ किया जाता है लेकिन बड़े इनपुट्स के लिए ये तरीका सही नहीं है सेकेंड वे है बाय यूजिंग रिकर्शन टेक्निक हमें पता है कि रिकर्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं सो विल नॉट यूज़ इट थर्ड तरीका है बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिंशन इसी प्रोग्राम का हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो कोड होगा वो नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ही वर्क करेगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जस्ट एक कॉम्पैक्ट कोड लिखने का तरीका है सपोज़ आपके पास टेन लाइन्स ऑफ कोड है तो आप टेन लाइन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू वन लाइन लाएं। वन लाइनर बना सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लेकिन इसमें भी एक लिस्ट बनेगा कंटेनिंग स्क्वेयर्स ऑफ ऑल नंबर्स इसमें भी सेम मेमोरी का इशू आएगा So, ये जो फर्स्ट तीन तरीके इन तरीकों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं एक और तरीका है हमारे पास बाय यूजिंग जनरेटर टेक्निक बड़े इनपुट्स के लिए जो मेमोरी एरर आता है वो एरर आपको जनरेटर की वजह से नहीं मिलेगा चलिए पहले लिस्ट कॉम्प्रिहशन का यूज करके देखते हैं एंड देन विल यूज जनरेटर फॉर द सेम प्रोग्राम सो लिस्ट कॉम्प्रिहशन का मैं यूज करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर आई इन रेंज ऑफ वन से लेकर यन तक यन की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेंगे एल से यन इज टेन डायरेक्टली हार्ड कोड कर देता हूँ वैल्यू को सो so यन में आ जाएगा टेन स्क्वेयर मुझे मिलेगा वन से लेकर नाइन का सो so आई में एक एक वैल्यू आ जाएगी एल से आई इन टू आय स्क्वेयेयर को अपेंड किया जाएगा इन टू द लिस्ट देन इस लिस्ट को नेम देता हूँ येल सो so मुझे एक लिस्ट मिलेगा फाइनली जिसमें स्क्वेयर होगा फ्रॉम वन टू नाइन एंड आई एल प्रिंट द लिस्ट चलिए अब इसे रन करते हैं सीरी डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे ये फाइल है क्लियर करके रन करता हूँ पाए एग्जाम्पल डॉट पाए एंड हियर यू गो आपको एक लिस्ट मिल गया कंटेनिंग स्क्वेयर्स ऑफ नाइन नंबर्स आप इसका साइज चेक कर सकते हैं सो इम्पोर्ट सिस एंड सिस मॉड्यूल में गेट साइज ऑफ फंक्शन है उस फंक्शन को एक्सेस करते हैं सिस डॉट गेट साइज ऑफ यल क्लियर करके फिर से रन करता हूँ एंड यू कैन सी 184 एटी फोर बाइट इट कंज्यूम्ड लेकिन सपोज यन का वैल्यू मैं हंड्रेड कर देता हूं तो इस केस में आपको ज्यादा मेमोरी लगेगा यू कैन सी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी बाइट्स इट कंज्यूम्ड सो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा मेमोरी आपको लगेगा अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप टाइप ऑफ यल तो आपको लिस्ट मिलेगा सर से टाइप ऑफ यल दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिंशन चलिए रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी क्लास लिस्ट लेकिन सपोज स्क्वेयर ब्रैकेट्स की जगह पर मैं पैरेंथीसिस का यूज करता हूं बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये टपल कॉम्प्रेंशन होगा लेकिन ऐसा नहीं है अब इसका टाइप देखते यू कैन सी क्लास जनरेटर तो एक्चुअली में ये एक जनरेटर है एंड यही है शॉर्ट हैंड वे ऑफ क्रिएटिंग जनरेटर्स देखिए पहले आपको 920 बाइट्स ऑफ मेमोरी लग रहा था अब 208 हंड्रेड एंड ऑफ मेमोरी लग रहा है सपोज मैं इसकी वैल्यू इनक्रीज कर देता हूँ इसके बाद भी मेमोरी सेम रहेगा 208 हंड्रेड एट तो अब यल क्या है यल अब लिस्ट नहीं है एक जनरेटर है आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके एक एक टर्म को एक्सेस कर सकते हैं इफ़ आई से नेक्स्ट ऑफ यल तो मुझे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्रिंट करके मिलेगा प्रिंट नेक्स्ट ऑफ यल चलिए इसे रन करते हैं एंड यू विल गेट वन स्क्वायर वन सपोज मैं फिर से नेक्स्ट ऑप यू फॉर मल्टीपल टाइम्स क्लियर द स्क्रीन एंड रन इट यू कैन सी वन का स्क्वेयर वन टू का स्क्र फोर थ्री का स्क्र नाइन फोर का स्क्वेयर एंड सो वन सपोज मैं यहां पर वैल्यू देता हूँ फोर तो मुझे यही तक मिलेगा एंड देन मुझे स्टॉप इटरेशन मिलेगा यू कैन सी सो दिस इज एक्चुअली अ जनरेटर जो आपको एक एक टर्म जनरेट करके देगा प्रोड्यूस करके देगा सो रिमेंबर टपल कॉम्प्रिहेंशन से लेकर पाइथन में कोई कंसेप्ट नहीं है जब आप टपल कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स लिखते तो एक्चुअली में वो एक जनरेटर होता है चलिए पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं फिबोनाची सीरीज के लिए बाय यूजिंग जनरेटर पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज फिबोनाची सीरीज फिबोनाची सीरीज एक सीक्वेंस है जिसमें पहले दो टर्म्स फिक्स होते हैं जीरो एंड वन सो दीज आर फर्स्ट टू टर्म्स जो कि फिक्स रहेंगे अब जो भी नेक्स्ट टर्म जनरेट होगा वो लास्ट टू टर्म्स का एडिशन होगा जीरो प्लस वन इज वन ये नेक्स्ट टर्म सो वन प्लस वन होगा टू इट इज नेक्स्ट टर्म देट करने के लिए इनका एडिशन होगा थ्री का एडिशन का एडिशन सो ऑन फाइव प्लस एट थर्टीन एट प्लस ट्वेंटी सीरीज सपोज यूजर एन की वैल्यू नाइन एंटर करता है तो यूजर को यह फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके मिलनी चाहिए लेकिन हमें सभी नंबर्स को स्टोर नहीं करना है इनटू द मेमोरी एंड इसीलिए हम जनरेटर का यूज़ करेंगे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फिवो फंक्शन ये मेरा जनरेटर फंक्शन होगा इसके अंदर इल्ड कीवर्ड का यूज़ होगा अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कॉमा सेकेंड इज ज़ीरो कॉमा वन पहले दो टर्म्स फिक्स रहेंगे जब मैं फीवो को कॉल करूँगा तो एक्चुअली में मुझे एक जनरेटर ऑब्जेक्ट मिलेगा देन हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके एक एक टर्म को जनरेट करेंगे इफ आई से नेक्स्ट ऑफ जी फॉर द फर्स्ट टाइम इसके लिए मुझे जीरो प्रिंट करके मिलना चाहिए पहला टर्म सो so मैं इल्ड कर देता हूँ यहाँ पे इल्ड फर्स्ट टर्म चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं एंड यू कैन सी जीरो प्रिंटेड अब मैं अगर फिर से नेक्स्ट ऑफ जी करता हूँ तो मुझे स्टॉप इटरेशन मिल जाएगा बिकॉज एक ही बार इल्ड का यूज हुआ है इस फंक्शन के अंदर सपोज हमें फर्स्ट नाइन टर्म्स जनरेट करने तो हमें नाइन टाइम्स इल्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन मैं लूप लगा देता हूँ एल से वाइल्ड ट्रू जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो हम बाद में लिखेंगे एंड यहाँ पे इल्ड करेंगे फर्स्ट को लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा सिर्फ फर्स्ट टर्म ही जनरेट होता रहेगा हमें फर्स्ट को अपडेट भी करना पड़ेगा सो so अभी लॉजिक समझते हैं जीरो फर्स्ट टर्म है एल से दिस इज द फर्स्ट टर्म यफ देन वन इट इज द सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म जनरेट हो गया जीरो प्रिंट करके मिल गया अब मैं इसे फर्स्ट टर्म बोलूंगा ओके दिस इज माई फर्स्ट टर्म सो नेक्स्ट टाइम जब वाइल्ड लुप चलेगा तो हमें वन जनरेट करके मिलेगा बट ये करने से पहले हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड का टू जनरेट द नेक्स्ट टर्म सो जीरो प्लस वन हो जाएगा वन मुझे एक नई टर्म मिल जाएगी आप इसे असाइन कर देंगे टू द वेरिएबल यस सो so, ये बन जाएगा सेकेंड एंड ये बन जाएगा फर्स्ट अब ये जो वैल्यू है नहीं रहेगा इसका यफ टैग ब्रेक हो जाएगा अब मेरे पास ये वैल्यूज है फर्स्ट इज वन एंड सेकेंड इज वन देन फिर से वाइल्ड लूप चलेगा इल्ड हो जाएगा फर्स्ट वन प्रिंट हो जाएगा देन इसके बाद मैं फिर से एक नई वैल्यू क्रिएट करूंगा वन प्लस वन इज टू एंड इसे बोलूंगा सेकेंड सो so, ये सेकेंड है एंड ये बन जाएगा अब फर्स्ट एंड ये जो वैल्यूज है पहली ये रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द मेमोरी अब फिर से वाइल्ड लूप चलेगा फर्स्ट जनरेट होगा सो इस केस में फर्स्ट है वन सो वन प्रिंट करके मिलेगा दिस इज़ द थर्ड टर्म एंड सो ऑन ऐसा ही चलता रहेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए फिबोनाची सीरीज़ के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चलिए अब डायरेक्टली लॉजिक लिखते हैं यहाँ सो सोए से फर्स्ट कॉमर सेकेंड एंड असाइन करता हूँ फर्स्ट को वैल्यू जाएगी सेकेंड की एंड सेकेंड को वैल्यू जाएगी फर्स्ट प्लस सेकेंड की एंड दैट्स इट चलिए अभी इसे रन करते हैं एल से पाए एग्जाम्पल डॉट पाए लेकिन ये रन होता ही रहेगा सपोज आप फॉर लूप लगाते हैं इसके ऊपर मैं लिखता हूं नेक्स्ट ऑप जी अगेन एंड आईल राइट मल्टीपल टाइम्स नेक्स्ट ऑप जी अब रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी हमें एट तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके मिल गई मैं फिर से क्लियर करके रन करता हूँ अब देखिए जीरो से स्टार्ट हो गया जीरो वन वन देन टू टू प्लस थ्री फाइव थ्री प्लस फाइव एट एंड सो ऑन आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं सो लेट्स यूज़ फॉर लुप हीयर आल से फॉर आई इन जी प्रिंट आई लेकिन मुझे स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ अ वाइल्ड लूप वाइल्ड ट्रू हमने लिखा है अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए क्या होगा ये चलता ही रहेगा इन्फनाइट लूप क्रिएट होगा सो so, इस केस में मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ अगर i का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हंड्रेड हो जाता है तो इस केस में मुझे ब्रेक करना है अब चलिए रन करवाते हैं एंड हंड्रेड तक वैल्यू ही ये प्रिंट करके देगा मैंने गलत कमांड रन करी थी फिर से क्लियर करके स्क्रीन बड़ा करता हूँ ताकि ये जीरो से स्टार्ट होगा एंड यू कैन सी ज़ीरो अप टू एटी नाइन सो so, ये है पाइथन प्रोग्राम ऑफ जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज अन्टिल हंड्रेड सपोज़ आपको ये लिमिट इंक्रीज करना है तो आप हंड्रेड की जगह पर वन थाउजेंड दे सकते हैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं सो अनटिल अ सर्टन लिमिट आप फिबोनाची सीरीज जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम एंड एक एक वैल्यू को एक ही टाइम स्टोर किया जाएगा सभी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं किया जाएगा सपोज आपको यूज़र से यन वैल्यू लेनी है यन टर्म्स को प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं एल से यन एंड आई एल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर मैं यहाँ पे हार्ड कॉर्क कर देता हूँ वैल्यू को टेन ये जो लूप है फॉर लूप मैं टेन टाइम्स चलाऊंगा आई एल से फॉर आई इन रेंज ऑफ टेन सो ये लूप टेन टाइम्स चलेगा एंड एवरी टाइम आई एल प्रिंट नेक्स्ट ऑफ जी मुझे टेन टर्म्स प्रिंट करके मिलेंगे चलिए अभी इसे रन करता हूँ एंड यू कैन सी सो दीज आर फर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज सो दिस इज़ द प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ सिंपल प्रोग्राम